यू विल गेट फोर थिंग्स एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर. द फर्स्ट वन इज हाउ हाइड्रोजन साइनाइड इज एडेड इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स. द सेकंड वन इज व्हाट इज द प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड इन द कार्बोनाइल कंपाउंड्स इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. द थर्ड वन इज अ टर्म इज यूज्ड इन दिस लेक्चर दैट्स नेम इज इन सिचू. व्हाट इज मेंट बाय इन सिचू. एंड द फोर्थ वन इज व्हाट इज द प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर द acidic hydrolysis of acetaldehyde cyanohydrin and how lactic acid is formed. So without wasting any time, we move towards our topic. Our topic is hamara aaj ka jo topic hai, that is addition of hydrogen cyanide in carbonyl compounds. Suppose mere paas ye koi carbonyl compound hai, theek hai, isme humne hydrogen cyanide kaise add karna hai. This is hydrogen cyanide. Acha, ye carbonyl compound aldehyde bhi ho sakta hai aur ye ketone bhi ho sakta hai. ठीक है, सपोज यहां पर अभी ये फॉर्मेल्डिहाइड है. फॉर्मेल्डिहाइड के लिए दोनों तरफ हाइड्रोजन होते हैं. ठीक है, जिसमें इसमें जिस टाइम हम एच सी एन एड करते हैं तो होगा क्या, एच सी एन जिस वक्त इसके अंदर एड होगा तो एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, एनएसीएन इन द प्रेजेंस ऑफ एच सी एन. ठीक है, यहां से एच और सी एन साइनाइड ग्रुप दोनों मिलकर बना देते हैं एच सी एन. ठीक है, और एनए और सीएल मिलके सोडियम क्लोराइड साल्ट बना देते हैं. ठीक है, अब होगा क्या, ये जो सीएन है, सीएन ये जाके अटैच होगा इस कार्बन के साथ. इस कार्बन के साथ अगर ये ऐसे अटैच हो जाता है तो हमारे पास सिर्फ पीछे एक ऑक्सीजन बचता है. तो ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन कंबाइन कर जाएगा और OH बना देगा. ठीक है, और इस तरफ दो हाइड्रोजन ऐसे ही, तो इसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड सायनोहाइड्रिन इसका नाम है. ठीक है, इसी तरह अगर इसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूं, मेरे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर मैं सी एच थ्री ग्रुप लगा देता हूं. ठीक है, अब इसमें मैं एच सी एन इसी तरह ऐड करता हूं, एच सी एन. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एस सी एल और एच सी एल की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये वाला सी एन और ये वाला एच मिल के एच सी एन बना देते हैं. ठीक है, और एच सी एन जब बन गया तो ये जब सी एन है, सी एन जाके कार्बन के साथ अटैच हो जाता है ऐसे. ठीक है, और दूसरी तरफ ओ था, ये सिर्फ ओ था, इस ओ के साथ ये वाला हाइड्रोजन अटैच होके हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना देता है. ऊपर इसी तरह इस तरफ हाइड्रोजन है और इस तरफ सी एच थ्री ग्रुप है. ठीक है, तो ये बेसिक एडिशन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि एडिशन कैसे करनी है एच सी एन की, जस्ट ये करना है कि NaCN और HCl दोनों को एज अ कैटलिस्ट यूज करना है और HCN प्रोड्यूस होगा और HCN में से जो सयानो ग्रुप होगा, सयानो ग्रुप कार्बन के साथ अटैच करना है और ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ आपने हाइड्रोजन अटैच करके हाइड्रोक्सिल बना देना है. पहले मैंने यूज किया फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरे में मैंने यूज किया एसिटाल्डिहाइड. आप यहां पर कीटोन भी यूज कर सकते हैं. सपोज मैं इसी को अगर कीटोन में चेंज करूं तो यहां पर मैं सी एच थ्री ग्रुप लगा देता हूं. ठीक है, सी एच थ्री ग्रुप लगा देता हूं तो यहां पर भी मुझे ऐसी ही चेंजिंग करनी पड़ेगी, जस्ट सी एच थ्री ग्रुप ही लगाना पड़ेगा और इसका नाम अब होगा एसीटोन सायनोहाइड्रिन. ठीक है, या फिर इसको आप प्रोपानोन सायनोहाइड्रिन भी बोल सकते हैं. ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि हमने एडिशन कैसे करनी है एच सी एन की कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर. अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया था कि इन सिचू का क्या मतलब है. ये जो एच सी एन है, एच सी एन ये वाला, इसको बोलते हैं इन एस आई टी यू, इन सिचू. इन सिचू वो सब्सटेंस है जो ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोड्यूस होता है. ठीक है, अब ये जो है ये एच सी एन, ये स्टेबल नहीं होता. ठीक है, इसको ड्यूरिंग द रिएक्शन ही प्रोड्यूस करवाया जाता है. कैसे, एन एस सी एन हम बेसिकली जो चीज डालते हैं रिएक्शन मिक्सर के अंदर वो एन एस सी एन और एच सी एल को डालते हैं. ठीक है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर ड्यूरिंग द रिएक्शन इसको प्रोड्यूस करते हैं HCl को, अदरवाइज ये स्टेबल नहीं होता. ठीक है जी, इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है इसकी आप ये समझ लें कि डिग्रेडेशन हो जाती है. तो ये था आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर. अब तीसरी चीज क्या है इसका मैकेनिज्म, कि ये जो HCl है ये कैसे, क्या ये बेस कैटलाइज एडिशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसको फॉलो करता है. जी हाँ, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली ये रिएक्शन होता है. मैकेनिज्म इसका ये है प्रॉपरली, सपोज जो फर्स्ट स्टेप है, तीन स्टेप्स मैंने आपको बेस कैटलाइज एडिशन रिएक्शन के लिए आपको तीन स्टेप्स मैंने बताए थे. फर्स्ट स्टेप में जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होती है. सपोज ये अगर बेस कैटलाइज रिएक्शन है, ये इसका मैकेनिज्म है. अगर ये
बेस कैटलाइज रिएक्शन है तो इसमें सबसे पहले बेस यूज होगा, HCN हमारे पास है, ठीक है। तो बेस क्या करेगा, बेस जनरेट करेगा एक न्यूक्लियोफाइल। देखें ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोक्सिल मिलके वाटर बना देंगे HOH, और हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा जिसको CN बोलेंगे। अब इस CN क्या करेगा, CN सेकेंड स्टेप के अंदर जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड है आपका उसके ऊपर जाके अटैक करेगा ऐसे, ठीक है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट कर देगा। इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर जो ही अटैक होगा तो इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच हो गया CN एक तरफ, ऊपर नीचे दो ग्रुप्स इसी तरह मैंने लिख दिए। अब ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो ये हाईली नेगेटिव बन रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बन रहा है, ठीक है। अब ऊपर जो वाटर बना था ये वाटर, इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर ले आए HOH। अब ये जो ऑक्सीजन है इस वाटर के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसको जिस वक्त ये अट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा, देखें ये C है इसके साथ O, और इस O ने इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया तो OH बन गया, ठीक है। ऊपर नीचे दो ग्रुप्स इसी तरह, इस तरफ CN, ठीक है, और साथ में जो आपका कैटलिस्ट के तौर पे आपने यूज किया था बेस, ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक बेस कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो बेस दोबारा से रीजनरेट। तो ये थर्ड थ्री स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में आपने न्यूक्लियोफाइल जनरेशन करनी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया तो सेकंड स्टेप में वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, और थर्ड स्टेप के अंदर दोबारा से रीजनरेशन ऑफ द बेस हो जाती है, रीजनरेशन ऑफ द कैटलिस्ट हो जाती है। आ जाए फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर कि जो हमारे पास सयानोहाइड्रिन प्रोड्यूस होता है उसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कैसे होती है। सपोज ये सयानोहाइड्रिन था हमारे पास, एसिटाल्डिहाइड सयानोहाइड्रिन में लिखता हूं OH, और इस तरफ CN, ठीक है, इस तरफ H और इस तरफ CH3, ये एसिटाल्डिहाइड सयानोहाइड्रिन था। हमने इसकी करनी है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये है कि वाटर की प्रेजेंस में एसिड की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलाइसिस करनी है। मैं H2SO4 यूज करता हूँ, ठीक है, और वाटर यूज करता हूँ, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स यूज करता हूँ, ऊपर नीचे मैं दो ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है जी। अब क्या होगा, देखें ये तो एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ, H2SO4 एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। हमने करना क्या है, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को मैं थोड़ा सा और खोल के लिख लेता हूँ, C(NN) की साइनाइड ग्रुप को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान तीन बॉन्ड है, ये वाला एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन मिलके बना देंगे NH3, अमोनिया बना देंगे। इसमें से ये वाला हाइड्रोजन भी गया, ये वाला भी गया और ये वाला भी गया, तो हमारे पास पीछे यहां पर बचता क्या है, एक ऑक्सीजन ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको फिर मैं क्या करूं, नेक्स्ट देखें, ये कार्बन था, इस कार्बन के साथ OH एक तरफ लगा हुआ है, ठीक है, दूसरी तरफ इसके साथ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, CH3, नीचे एक हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको मैं नीचे ले आता हूं, ठीक है। अब यहां पर कार्बन था, कार्बन के साथ जो नाइट्रोजन अटैच था वो तो अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकल गया, ठीक है, इधर सिर्फ कार्बन बचा। इस कार्बन के साथ एक ये वाला ऑक्सीजन, एक ये वाला ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन जोड़ दिए, और एक ये वाला हाइड्रोजन जो बच गया इसको जोड़ दिया, तो इसका क्या नाम हुआ, इसका देखें ये अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी, क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी। उसके बाद एक दो तीन, तो तीन कार्बन है इसमें, तो इसका नाम होगा प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, या फिर इसका सिंपल इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड भी इसको बोलते हैं, लैक्टिक एसिड, ठीक है जी। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। हमने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस की है, किसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस की है, दिस इज द एसिटाल्डिहाइड सयानोहाइड्रिन, एंड इसकी हमने दो वाटर मॉलिक्यूल्स को यूज किया, एक हमने अमोनिया, अब यहां से आप एक और काम भी कर सकते हैं, ये जो अमोनिया बना है ये अमोनिया, ठीक है, आखिर इस कैटलिस्ट का भी तो कोई रोल है ना, ये अमोनिया जो है NH3 इसके साथ H2SO4 के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां से ले लें, इधर कितने हो जाएंगे, फोर हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा NH4, और पीछे कितने बच जाएंगे, एक हाइड्रोजन और उसके साथ SO4, इसका नाम होगा अमोनियम बाइसल्फेट, साथ में ये भी बन जाता है, ठीक है। वैसे ये भी अगर आप लिख दें
तो ये भी ठीक है। तो चार चीजें आपने इस वीडियो में सीखी। पहली चीज कि हाइड्रोजन साइराइड कैसे ऐड होता है, किसके अंदर, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर। दूसरी चीज आपने जो सीखी कि इन सिचू किसको बोलते हैं, एचसीएन को इन सिचू बोलते हैं क्योंकि वो ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, वो अनस्टेबल होता है। तीसरी चीज इस रिएक्शन की कि मैकेनिज्म क्या है एचसीएन की एडिशन का कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर। और चौथी चीज कि आपके पास कोई साइनोहाइड्रिन है उसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कैसे करनी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बुक में, आप जब पढ़ते हैं तो आपको समझ नहीं आती है। होप कि आपको यहाँ पर समझ आ चुकी हो। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछें। हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आने के बाद।